सर्व धर्म की बैनर तले पूर्व पार्षद जानिसार अख्तर ने दुर्ग जिले में धरले से प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखे की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जर्दायुक्त गुटखे पान मसाला व नशीले पदार्थों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर रोक लगाने के लिए भिलाई के पूर्व पार्षद जानिसार अख्तर ने सर्वधर्म समाज के बैनर तले अपनी आवाज उठाई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि दुर्ग जिले में जर्दायुक्त गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जानिसार अख्तर ने बताया कि जर्दायुक्त गुटखा खाने की वजह से आज हजारों परिवार पीड़ित हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना भी पड़ रहा है, पर बावजूद इसके इस पर रोक लगाने प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही जर्दायुक्त पान मसाला और गुटखा को बेचने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अभी लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जिस तरह नशा के खिलाफ अपना अभियान जारी रखकर शहर के चौक चौराहों पर सघन जाँच अभियान चलाकर इस पर लगाम कसा जा रहा है, वही बेखौफ शहर में जगह जगह सड़कों के किनारे स्कूल के सामने पान दुकान लगाए लोग बैठे हैं और प्रतिदिन यहाँ से लोग गुटखा खरीद खा रहे हैं और इसके आदि होकर नशे व विभिन्न बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। जनदर्शन में दुर्ग कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है, उसमें ये निवेदन किया है कि दुर्ग जिले के अंदर में गुटखा जो है स्कूल कॉलेजों के बाहर और जहाँ पर भी भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है बहुत धड़ल्ले से ज़्यादा गुटखा बिक रहे हैं, जिसके कारण आप हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कैंसर की बीमारियां, अन्य बीमारियां फैलते जा रही है, जिसके कारण जो है नौजवान लोग जो है और बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों की भी आदत और लत लग गई है। इन सब को दूर करने के लिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गुटखा को जब पूरे देश में प्रतिबंधित है तो हमारे ज़िले में भी प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हैं, हमारे ज़िले के गृह मंत्री हैं और मैं सर्व समाज छत्तीसगढ़ की ओर से ये मांग करता हूँ और समाज के लोगों से भी मांग करता हूँ कि वो अपनी छोटी छोटी बैठक लेके नौजवानों को ये हिदायत दें कि गुटखा छोड़ें, क्योंकि गुटखा खाते खाते सो जाते हैं और अंदर कैंसर और अन्य बीमारियां हो रही है। लेकिन आज कलेक्टर साहब से मेरी बहस हुई है, उस बहस में उन्होंने कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए गुटखे को प्रतिबंधित करने के लिए। अरे हाईकोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और जितनी फैक्ट्रियाँ हैं दुर्ग जिले के अंदर में गुटखा की जर्दायुक्त उनके खिलाफ आंदोलन धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन से मांग करेंगे। और अगर हमारी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, गृह मंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे और ये मांग करेंगे कि गुटखा को जब पूरे देश में प्रतिबंधित है तो यहाँ भी प्रतिबंधित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।